नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिला की स्लीमनाबाद तहसील के कोडिया गांव 28 मजदूरों को ठेकेदार काम पर गया, जहां 400 रुपए के हिसाब से रोज मजदूरी देने को कहा गया, जहां उन्होंने 250 रुपए हफ्ते में दिया जाता था। मजदूरों ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता था। मना करने पर मारने की धमकी दी जाती थी और बाहर भी नहीं निकलने को मिलता था। जब हम लोग परेशान हो गए तो हमने अपने क्षेत्र के विकास पांडे, पूर्व जनपद सदस्य, फोन लगाया और एक वीडियो डाली। विकास पांडे ने तत्काल विधायक प्रणय पांडे और SDM के रीडर विवेक त्रिपाठी से बात बताई और उन्होंने वीडियो दिखाया कि हमारे क्षेत्र के 28 मजदूर फंसे हुए हैं और उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। विधायक ने तत्काल कलेक्टर अभि प्रसाद से बात की और मजदूरों को आज सुबह सकुशल स्लीमनाबाद स्टेशन लाया गया। जगह जगह उनकी खाने की व्यवस्था की गई थी। मजदूरों को स्टेशन पर शासकीय अमला मौजूद रहा, जिसमें नायब तहसीलदार शशांक दुबे तत्काल चाय और नाश्ता करा करके उन्हें उनके गृह ग्राम कोडिया सकुशल पहुँचाया। संवाददाता पप्पू उपाध्याय। सर, काम के लिए 400 रुपये मिलेगा प्रतिदिन का, 22 दिन में हम आपकी पेमेंट कर देंगे सर। अब 22 दिन हुआ तो पेमेंट नहीं हुई। एक तारीख को बोला कि एक तारीख देंगे, एक तारीख भी ना दिया। फिर आया कि हम 12 तारीख को देंगे, 12 तारीख हुई तो फिर कहता है कि एक तारीख को देंगे। ऐसे करके करते हमको 2-2.5 महीने हो गए सर, और हफ्ते में हमको 250 रुपये देता रहा। फिर हम लगाए अपने विकास को, लगाए विकास भैया को, तो वो फोन लगाए जिसको भी। अब हमारे पास तो नंबर नहीं रहा। फिर विकास भैया ने हमको आगे जैसे गली घर आए तो अधिकारी हमसे बात करते रहे, तो हम बताते रहे अपनी समस्या की क्या है, और ये तो फिर विकास भैया बता सकते हैं। कहाँ के निवासी हो? हम कौड़िया के हैं। गए कहाँ थे आप? हम कर्नाटक गए हैं। कर्नाटक में वर्क कर रहे थे? हाँ, कर्नाटक में ले गए थे हमको महाराष्ट्र से, फिर हमको कर्नाटक ले गए। आपको यहाँ से ले जाने वाले कोई तो ठेकेदार? बाबू पवार। हाँ, भेजने वाले मुन्ना उपाध्याय कौड़िया के। इनको किस तरीके से वहाँ से जानकारी लगी कि अपन लोगों को ये पता हुआ कि ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं? देखिए, क्या था कि मजदूरों में से किसी ने यहाँ जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया, इसकी जानकारी पता चली कि ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो उसके बाद तत्काल यहाँ जिला कटनी जिला प्रशासन ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने संपर्क इस्टेब्लिश किया। उसके बाद पूरा कोऑर्डिनेट किया गया और इनको वापस लाना सुनिश्चित किया गया। इनकी ट्रेन की टिकट कराई गई, कुछ पैसे भिजवाए गए और आज इसी तारतम्य में हम लोग इनको यहाँ लेने के लिए सिमनाबाद आए हुए हैं। अभी इनके बयान लिए जा रहे हैं कि इनके साथ वहाँ क्या कैसा किया जाता था। इस बयान के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। तो ये जो ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी सर? ये दूसरा केस है इस क्षेत्र का? नहीं, इसीलिए अभी हम इनके स्पॉट पे बयान ले रहे हैं। इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी।